राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने रविवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फर्जी बाबा बताया है। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा, इन दिनों मुक्तेश्वरानंद नाम का एक फर्जी बाबा काफी लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके पैर छुए हैं और अंबानी जैसे बड़े कारोबारी ने उनका अपने घर में स्वागत किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का टैग दिया है। मैं देश के सभी नागरिकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मुक्तेश्वरानंद अपने नाम के साथ साधु संत या सन्यासी जोड़ने के भी लायक नहीं है, इसलिए शंकराचार्य को भूल जाइए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हाल ही में कुछ बयानों के चलते चर्चा में रहे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है। वहीं उन्होंने केदारनाथ से 228 किलो सोना चोरी होने का भी आरोप लगाया था। गोविंदानंद ने वाराणसी कोर्ट का आदेश दिखाकर कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। हम यह सब सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं, लेकिन वे अगली तारीखें देते रहते हैं और हमें न्याय चाहिए, वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गोविंदानंद ने पूछा कि हम देश की खातिर ये सारे दस्तावेज सामने रख रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद लोगों की हत्या और अपहरण कर रहे हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, वे सन्यासी बनकर शादियों में शामिल हो रहे हैं, वे कह रहे हैं कि केदारनाथ में 228 किलो सोना गायब है, क्या उन्हें सोने और पीतल में फर्क भी पता है? इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ, धन्यवाद।